इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में हम कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम क्वेरी का इस्तेमाल करते हुए अगर हमने किसी भी फील्ड के अंदर कोई फार्मूला परफॉर्म करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो कि प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस करते हैं। प्री डिफाइंड का क्या मतलब है कि वो फंक्शंस जो कि पहले से ही एमएस एक्सेस के अंदर डिफाइन कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी मिसाल हमारे सामने है, जैसा कि हमारे पास एक फंक्शन आएगा इसके अंदर सम का फंक्शन। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि सम फाइंड आउट कर सकेंगे। इसी तरह एक फंक्शन हमारे पास आता है एवरेज का, जिसके अंदर हम एवरेज फाइंड आउट कर सकेंगे। और इसी तरह एक फंक्शन आता है मिन का, जिसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और एक फंक्शन आता है मैक्स का, जिसके अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड क्या होती है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फील्ड होती है जिसके अंदर हम अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो ऐड करते हैं। अब ये किया किस तरह से जाता है, इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे एमएस एक्सेस में हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, और इस डेटाबेस के अंदर आप देखें कि हमने यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक टेबल आता है हमारे पास रिजल्ट का। इस टेबल को अगर मैं ओपन करके देखूँ तो इसके अंदर स्टूडेंट की रिजल्ट आईडी, उनका रोल नंबर, उनकी क्लास, एग्जामिनेशन, मैथ्स में कितने मार्क्स लिए उन्होंने, फिजिक्स में कितने मार्क्स लिए, कंप्यूटर में कितने लिए और टोटल कितने मार्क्स लिए, तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर के मार्क्स हैं इनका एवरेज कैलकुलेट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है आपने। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपने क्यूरी विजर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल क्यूरी विजर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे उन फील्ड्स को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर के जो तीन सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर मैं ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैथ्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, फिजिक्स को सिलेक्ट कर लूँगा और कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है इसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप इसको फिनिश पे करेंगे तो हमारे सामने ये रिजल्ट की जो क्वेरी है ये ओपन हो जाएगी और रिजल्ट का टेबल हम क्लोज कर देते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके डिज़ाइन व्यू पे जाना है। जैसे आप इसके डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे तो रिजल्ट का जो टेबल है इसका डिज़ाइन व्यू खुल जाएगा। और बिल्कुल इसके नीचे जब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जितनी भी फील्ड थी मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर, इनका जो है हमारे सामने एक डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इन तीनों फील्ड्स के ऊपर आप एक कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सम का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो टोटल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे टोटल की एक फील्ड ओपन हो जाएगी, टोटल का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम मैथ्स का जो टेबल है इसके हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एवरेज मार्क्स, यानी मैथ्स के इस क्लास के अंदर मैथ्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाय का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एवरेज का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो फिजिक्स का जो फील्ड है यहाँ पे भी हम एवरेज को सेलेक्ट कर लेंगे और जो कंप्यूटर की फील्ड है यहाँ पे भी हम एवरेज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे तीनों फील्ड्स के ऊपर हमने एवरेज का जो फंक्शन है वो हमने अप्लाई कर लिया है। अब ये एवरेज का फार्मूला क्या करेगा, इस फील्ड को कैलकुलेट करेगा और इस वजह से इसकी मदद से हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद आपने रन पे क्लिक करना है। जैसे ही देखिए मैंने रन पे क्लिक किया तो मैथ्स के जितने भी मार्क्स थे उनका एवरेज कैलकुलेट हो गया, यानी कि उस क्लास के अंदर एवरेज मार्क्स इतने आए हैं। इसी तरह फिजिक्स का एवरेज भी कैलकुलेट हो गया और कंप्यूटर साइंस का भी एवरेज कैलकुलेट हो गया, यानी कि एवरेज एक स्टूडेंट इतने मार्क्स ले रहा है इस क्लास के अंदर। इसी तरह वापस चलते हैं इसके डिज़ाइन व्यू की तरफ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्लास में मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने लिए हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा मैक्स का फंक्शन। इसी तरह ये जानना चाहता हूँ फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स किसने लिए हैं और ये भी जानना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं। तो ये तीनों वैल्यूज़ मुझे चाहिए कि मैथ्स में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं और कंप्यूटर में कितने हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको रन करते हैं तो देखिए हमारे पास जो मैथ्स का मैक्सिमम है वो कैलकुलेट हो गया, जो कि है 90,
और अगर हम रिजल्ट का जो ओरिजिनल टेबल कैलकुलेट देखें तो देखें यहाँ पे हमारे पास चार स्टूडेंट्स हैं जिनके रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो 90 आए हैं। फिजिक्स में जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो 92 आए हैं, और कंप्यूटर में जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो 90 आए हैं। तो इस तरह से देखें कि हमने फील्ड के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वापस के डिज़ाइन व्यू पे जाके आप चाहें तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू तीनों फील्ड्स की वो कितनी है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखें मिनिमम मार्क्स जो मैथ्स में आए हैं वो 78 आए हैं, फिजिक्स में 63 आए हैं और कंप्यूटर साइंस में 58 आए हैं। तो वापस के डिज़ाइन व्यू पे जाएं तो यहाँ पे देखें ये डिफरेंट प्री डिफाइंड हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने एमएस एक्सिस के इस टेबल में। इसी तरह आप चाहें तो सम कैलकुलेट करना चाहें, सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैथ्स में टोटल कितने मार्क्स आए हैं। इसी तरह तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने एमएस एक्सिस में किसी भी स्पेसिफिक क्वेरी के अंदर जो हमने स्पेसिफिक फील्ड होती है वहाँ पे अगर हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो इस तरीके से वो की जाती है।